वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज शिवानी। तो आज का वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट बताने वाली हूँ रेसलमेनिया 40 का। रेसलमेनिया 40 में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे रेसलमेनिया 40 करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे फैंस की एक्साइटमेंट लेवल भी काफी बढ़ती जा रही है। और इस शो के लिए अभी तक 10 जबरदस्त मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। और देखा जाए तो कंपनी भी इस इवेंट को इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस शो में बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इसी वीडियो में मैं आपको 5 बड़े मैचेस का प्रिडिक्शन बताने वाली हूं, जो कि 90% एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉल्स और कुछ भी बोल के जाऊंगी, ट्वीट सोशल मीडिया सभी कुछ एनालाइज करके मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैच की बात करूं तो जय यूशो वर्सेस जिमी यूशो की। देखा जाए तो जय यूशो और जिमी यूशो के बीच समर स्लैम 2023 के बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोनों के बीच। और WWE भी उन्हें अलग अलग ब्रांड पे भेजते हुए दोनों को एक दूसरे से दूर भी रखने का काफी कोशिश की, लेकिन इस बार के रेसलमेनिया 40 में दोनों आमने सामने होने वाले हैं। दोनों ही जुड़वा भाई को आमने सामने देख के काफी मजा आने वाला है। और देखा जाए तो कई फैंस का ये ड्रीम मैच भी होने वाला है। और फैंस इस मैच में जबरदस्त इन रिंग एक्शन देखना चाहते हैं इन दोनों का। और दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर भी दे सकते हैं। इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि जय इस मैच को जीत जाएंगे और जिमी यूशो को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते आगे मैच में क्या कुछ होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है दोनों में कौन मैच जीतने वाला है, कमेंट जरूर बताना। अब देखते हैं सेकंड सबसे जबरदस्त मैच की, जो कि रिया रिपली वर्सेस बैकी लिंच का होने वाला है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए। दोनों के बीच काफी दिनों से लग रहा था कि दुश्मनी क्रिएट होने वाली है। और जैसा कि आपने विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखा होगा, उस मैच में बैकी लिंच ने रिया रिपली के अगेंस्ट टाइटल मैच को जीत ली थी। तो इस ईयर रेसलमेनिया 40 में इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त मैच हो सकता है। और आपको बता दे, इस मैच में कई फैंस बैकी लिंच को जीतते हुए देखना चाहते हैं, बट इन सब के बावजूद जिस तरह का मोमेंटम अभी रिया रिप्ले के पास है, तो उन्हें हराना काफी डिफिकल्ट है अभी के टाइम में। तो इस मैच में ये देखने को मिल सकता है कि रिया रिप्ली चैंपियनशिप रिटेन कर सकती है बैकी लिंच को हराकर। मे भी इतनी कोशिश करने के बाद भी बैकी लिंच को हार का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की बात करो तो इस मैच में इयो स्काई वर्सेस बेली का एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से लगातार बेली को अपने डैमेज कंट्रोल फैक्शन से इग्नोरेंस मिल रही है। और जैसा कि आपने देखा था, बेली ने वुमेन्स रॉयल रंबल का मैच भी जीती थी और वो अपने ही पार्टनर इयो स्काई की अगेंस्ट दिखाई देने वाली है रेसलमेनिया 40 में। देखा जाए तो अभी के टाइम में इयो का टाइटल रन काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ ये बेली के पास काफी अच्छा मौका है कि वो इस मैच को जीत सकती है। जैसे उन्हें डैमेज कंट्रोल से धोखा मिला था, वैसे ही वो अपना बदला भी ले सकती है इयो को हरा कर। अभी के टाइम में डेफिनेटली ये लग रहा है कि बेली मैच को जीतने वाली है और इयो स्काई को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग मैच की, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का होने वाला है। देखा जाए तो अभी के टाइम में सेथ रॉलिंस के पास काफी महीनों से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल उनके पास है और अब वो रेसलमेनिया एक्सल में ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट टाइटल को दांव पर लगाते हुए नजर आएंगे। भले ही ऐसा देखने को मिल चुका है कि सेथ रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर को हरा चुके हैं, बट अभी के टाइम में स्कॉटिश वॉरियर अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। उन्हें इस मैच को जीतने से रोकना ये भी काफी डिफिकल्ट है। तो इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ड्रू मैकइंटायर मैच को जीतने वाले हैं और ना चाहते हुए भी सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग मैच की, जो कि रोमन रीन्स वर्सेस कॉडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। रेसलमेनिया नाइट 1 का जो भी रिजल्ट होने वाला है, उसका इंपैक्ट नाइट 2 में जरूर पड़ने वाला है। अगर नाइट 1 का रिजल्ट रोमन रीन्स के फेवर में आया तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है इस मैच। और ये भी देखने को मिल सकता है कि कॉडी रोड्स और रोमन रीन्स के बीच ब्लड लाइन इंटरफेयर कर सकती है, या फिर ये भी देखने को मिल सकता है कि ब्लड लाइन्स का इंटरफेयर बैन हो सकता है। इन सभी के बावजूद कॉडी रोड्स और रोमन रीन्स का मैच काफी जबरदस्त होने वाला है। और आपको बता दे, इस मैच में द रॉक सेथ रॉलिंस और ब्लड लाइन का पूरी तरह से इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी 100% चांसेस है कि कॉडी रोड्स मैच को जीतने वाले। बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार से भी ये ट्वीट किया है कि कॉडी रोड्स इस मैच को जीतने वाले हैं। आखिरकार इस मैच में ही ऐसा देखने को मिल सकता है कि रोमन रीन्स का टाइटल का अंत हो सकता है इसी मैच में। अगर कॉडी रोड्स रोमन रीन्स को मैच में हरा दे तो वो न्यू चैंपियन बन जाएंगे। अब देखते मैच में क्या होगा। वैसे रोमन रीन्स भी हार नहीं मानने वाले, वो भी जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं कॉडी रोड्स को। तो गाइस, ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा ही वैल्यूएबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।